नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम स्पिरिचुअल। आपके साथ मैं हूं रीना। पितृपक्ष श्राद्ध का समय पितरों को प्रसन्न करने, उनकी तृप्ति और पितृदोष से मुक्ति पाने का महत्वपूर्ण अवसर होता है। पितृपक्ष में 15 दिनों में श्राद्ध तर्पण पिंडदान करने का बड़ा महत्व है। पितृपक्ष में पिंडदान करने से पितरों की आत्मा तृप्ति होती है, उसे मोक्ष मिलता है। तर्पण पिंडदान श्राद्ध भ्रमण को जारी करने से पितृदेव पर आशीर्वाद देते हैं, पूरे परिवार की उन्नति होती है। करने की धन दौलत तो संपन्नता आती है, लेकिन यदि किसी कारण कुछ परिवार में कोई पुरुष नहीं है तो महिलाएं भी पितरों को प्रसन्न करने के लिए कुछ खास कार्य कर सकती है, ताकि पितृपक्ष घर में पितृपक्ष का आशीर्वाद बना रहे। इसलिए श्राद्ध या पितृपक्ष में कुछ खास सुझाव दान कर सकती है। पितरों की कृपा से धन संपत्ति वंश अच्छी सेहत आदि मिलती है। घर में कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होती। वही पितरों की नाराजगी परिवार में कलह, बीमारी, धनहानि, वित्तीय संकट निसंतान देती है। इस साल 29 सितंबर से पितृपक्ष शुरू हो रहे हैं और 14 अक्टूबर को समाप्त होंगे। इस दौरान पितृपक्ष में महिलाएं कुछ खास चीजों का दान करें। भगवान विष्णु को केला बेहद प्रिय है, वही वैकुंठ धाम के मालिक है वह और मोक्ष प्रदान भी करते हैं। इससे केले का दान पाकर खुश होते हैं, लिहाजा अपने परिवार की संपन्नता और खुशहाली के लिए श्राद्ध में केले का दान करें। दही पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध में दही का दान करें। पितरों को दही प्रिय है, इसलिए पितृपक्ष में दही से बनी चीजें जैसे कढ़ी, दही, वड़े आदि प्रमुखता से बनाए जाते हैं। लगा हुआ पान पितरों की कृपा पाने के लिए पितृपक्ष में लगा हुआ पान दान करें। पान का बीड़ा दान करने से घर धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। दक्षिणा बिना दक्षिणा के कोई भी दान फलित नहीं होता, लिहाजा दान की सामग्री के साथ कुछ धनिया पात्र जैसे कटोरा, लोटा, थाली आदि भी दान करें। सफेद मिठाई पितृपक्ष में सफेद मिठाई का दान करने से पितृवंश परिवार को कष्ट नहीं देते। साथ ही सफेद मिठाई का दान पाकर पितृ जीवन में सकारात्मकता और संपन्नता देते हैं, इसलिए पितृपक्ष साथ ही सफेद मिठाई का दान पाकर पितृ जीवन में सकारात्मकता और संपन्नता देते हैं, इसलिए पितृपक्ष का या श्राद्ध के भोजन में चावल की खीर जरूर बनाई जाती है। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियोज को देख पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।